Assalamu alaikum. Welcome back to Meena Kitchen Routine. Hope everyone is doing fine. Today we are making ande kofte. Very easy and very yummy recipe. Kofte bhi humne ghar mein banaye hain. Bahut hi lazeez recipe hai. Aur aap feedback zarur dijiyega ki aapko ye recipe kaise lagi. Chaliye recipe start karte hain. Sabse pehle hum pan mein oil dalenge 1 cup. और टू अनियंस को स्लाइसेस में कट करके डालेंगे. इनको हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करके इसको हम चॉपर में ऐड करेंगे. ये कोफ्ते की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. हाफ अनियन हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ हम रख लेंगे ग्रेवी के लिए. अब इसमें हम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ऐड करेंगे. 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है. साथ ही हम भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे. 2 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. कोरिएंडर ऐड करेंगे 1 मंच. अब स्पाइसेस ऐड करेंगे. 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून हम कोफ्ते में ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसकी ग्रेवी में ऐड करेंगे. अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और मिक्सचर बना लेंगे कोफ्ते का. ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है. अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे. यहाँ पे आप बॉल्स बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं. अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे. इसको कुक नहीं करना, सिर्फ इसको हमने कलर देना है हल्का सा ताकि ये सील हो जाए. ये कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, ये अभी कुक नहीं है. अब इसकी हम ग्रेवी बनाते हैं. ग्रेवी के लिए सबसे पहले हमने ब्लेंडर में टमेटोज़ ऐड किए हैं. 3 टमाटर लिए हमने और बाकी जो ब्राउन अनियन था वो ऐड किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1 टेबल स्पून और इसका हमने पेस्ट बना लिया. अब पैन में हम होल गर्म मसाला ऐड करेंगे और ब्लेंड मिक्सचर ऐड करेंगे. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम. ये देखिए थोड़ा सा इसको हमने भूना. साथ ही अब हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे. 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला डालेंगे. अब इसमें हम योगर्ट डालेंगे 1 कप. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे. कोफ्ते हमने ऐड कर दिए. अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे. जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें हम फिर पानी ऐड करेंगे. पानी आप इस हिसाब से ऐड करेंगे जितना आपको इसका शोरबा चाहिए. आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं. साथ ही हम एग्स भी बॉईल करने के लिए रख देंगे. जब इसका शोरबा अच्छे से पक जाएगा तो इसमें फिर हम एग्स ऐड कर देंगे. बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी रेसिपी है ये. देखिए साथ ही हम पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड करेंगे और जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे. ये देखिए ज़बरदस्त इसकी तरी भी बन गई है. बहुत ही इजी और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है. ऊपर से हमने कोरिएंडर और ग्रीन चिली से इसको गार्निश किया. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको मेरी आने वाली तमाम जो न्यू वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिलेंगी. और मेरे शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है. बहुत ही ईजी और बहुत यमी रेसिपी है. आप कोफ्ते बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और इनको अगले दिन इसका मसाला भी बना सकते हैं. बहुत ही कन्वीनियंट रेसिपी है. सारी इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होती हैं. आपको सिर्फ चिकन चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू.